रांची में भव्य जगन्नाथ यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरे परिवार के साथ शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव में अपनी पत्नी कल्पना सोरेन और बच्चों के साथ शामिल हुए। सीएम ने इस दौरान पूजन अनुष्ठान कार्यक्रम में शामिल होकर महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को रथ यात्रा की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर आयोजित पूजन अनुष्ठान कार्यक्रम में हेमंत बाबू ने शामिल होकर महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त किया। सोरेन ने भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की विधिवत पूजा अर्चना कर राज्यवासियों की सुख शांति समृद्धि और उन्नति की कामना की। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की समस्त जनता को रथ यात्रा की बधाई और शुभकामनाएं दी। पूरा देश को पता है आज भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है। इस अवसर पर आज हम लोग हर साल की बात इस बार भी उनके इस रथ यात्रा पर शामिल हुए और इसके लिए पूरे झारखंड वासियों को, देशवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं इस खास अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आस्था और भक्ति के समागम में मौजूद हजारों श्रद्धालुओं के साथ जय जगन्नाथ के जयकारे लगाए और रथ की रस्सी को हाथ लगाकर भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मौसी बाड़ी के लिए आगे बढ़ाया। ऐतिहासिक रथ यात्रा के अवसर पर आयोजित पूजा अनुष्ठान में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, विधायक नवीन जायसवाल, विधायक राजेश कच्छप और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर शामिल हुए। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय और राज्य समन्वय समिति के सदस्य विनोद पांडे सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। ॐ वसवे नमः। ॐ वसुमन्से नमः। ॐ वसुमन्से नमः। ॐ समात्मने नमः। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।